Hello and welcome to this special broadcast right here on NDTV. We are in Bihar and I'll get to that context a little later. But we all know about a master political strategist in Indian politics. He has to his credit a spectacular win, a political win in 2014, then a Mahagathbandhan win in 2015, then a spectacular regional win in West Bengal, the Khela Hobe which happened in West Bengal. And now, this master strategist is trying something new. Is the coach trying to be a political player himself? And to what end? We'll be asking a lot of these questions in a free-flowing interview with the man himself, PK as he is called, Mr. Prashant Kishore. Thank you very much for joining us on NDTV. Prashant ji, आज आपकी यहाँ पर स्पीच हमने सुनी जिसमें मैं देख रहा था कि बीच बीच में भोजपुरी भी हो रही थी, बीच बीच में हिंदी भी हो रही थी, व्यंग भी हो रहा था, हास्य भी हो रहा था और बात बात में आप ये भी बोल गए कि मैं राजनीतिक दल नहीं हूँ, मैं चल रहा हूँ लेकिन मैं राजनीतिक दल नहीं हूँ. इफ़ यू आर नॉट अ पोलिटिकल फोर्स देन ऑल ऑफ दिस इज टू वॉट एंड. ये बात बात में नहीं बोल गए, ये तो जब से शुरू किया है 2 मई 2022 को आकर मैंने बिहार में ये घोषणा की है कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए बिहार के समाज के स्तर पर एक प्रयास किया जाएगा जिसका नाम है जनसुराज. जनसुराज कोई दल नहीं है, ये कोई सामाजिक आंदोलन भी नहीं है, ये समाज के मदद से, समाज के जरिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है. तो व्हाट टू आंसर योर क्वेश्चन, टू व्हाट एंड, इट इज़ टू चेंज द destiny and the discourse around Bihar. Bihar is known for its political discourse. Bihar is known for its caste ridden politics. Bihar is known for very many wrong reasons. It is time Bihar is also known for what people are capable of. Bihar ke log unki unme jo kabiliyat hai, unme jo kshamta hai, usko ek vyavastha di jaye, usko ek saanche mein rakha jaye taki Bihar mein ek nayi vyavastha bane जिससे न सिर्फ बिहार में विकास हो बल्कि देश के स्तर पर भी ये चीज़ स्थापित की जाए कि लोग आपस में मिलकर सही मायनों में एक लोकतांत्रिक विकल्प, अपना विकल्प, जनता का विकल्प बना सकते हैं और उसको चला सकते हैं. आपको नहीं लगता प्रशांत किशोर जी ये एक सुनहरा सपना है जो कि बहुत लोगों ने हासिल करने का प्रयास किया है? मैं उदाहरण के तौर पर 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आया, साल डेढ़ साल तक उन्होंने यही बात की लेकिन एक डेढ़ साल के अंदर बोलते बोलते बाद में उन्होंने बोला कि अब हम राजनीति में आ रहे हैं, अब वो एक राजनीतिक दल बन गए. देखिए आप पहले तो समाज की तरह मीडिया की भी सोच आजकल वही 2020 वाला जमाना है, जिनको भी लगता है कि एक ऐसी सोच है जो यूटोपियन आइडिया है. तो आपको मैं बता दूं कि इस देश में आज़ादी से पहले ये व्यवस्था बिल्कुल सालों दशकों तक कायम थी. आपने हमने इतिहास में पढ़ा है, सुना है, कांग्रेस के अधिवेशनों का बड़ा जिक्र होता है. जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, आज वाली कांग्रेस नहीं, जो महात्मा गांधी के लीडरशिप में जो कांग्रेस थी वो वैसी ही व्यवस्था थी जिसमें देश भर से लोग एक जगह इकट्ठा होते थे. वो ये तय करते थे कि उस दल का उस साल के लिए कौन नेतृत्व करेगा, लोग ये मिलकर तय करते थे कि किन बात पर आंदोलन होगा, किस तरीके से उसको चलाया जाएगा और इस चीज़ को हर साल किया जाता था. और सिर्फ बिहार के स्तर पर नहीं, पूरे देश के स्तर पर. उस समय भी समाज शिक्षित आज के मुकाबले तो कम ही था, उस समय भी जाति थी, उस समय भी लोगों का अपना इंटरेस्ट था, फिर भी इस देश ने इस चीज़ को लंबे अरसे तक देखा है, करके दिखाया है कि लोग आपस में मिलकर इस तरह की व्यवस्थाओं को बना सकते हैं और आगे चला सकते हैं. अगर ये बात आज़ादी से पहले लागू थी या किया जा रहा था तो इसको आज भी किया जा सकता है. और इसीलिए उसी सोच से प्रेरित होकर इस काम को मैं यहाँ कर रहा हूँ. करने में आपको थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि आप मीडिया के लोग या जो विश्लेषक हैं, जो टिप्पणीकार हैं, वो तो जो हो रहा है उस पर टिप्पणी करते हैं या जो हुआ है उसका विश्लेषण करते हैं. 2011 में जब चुनाव प्रबंधन, राजनीतिक रणनीतिकार जैसे जिन शब्दों का प्रयोग मेरे लिए कर रहे हैं, 2011 में अगर आप मेरे से मिलकर ये बात कर रहे होते और मैं आपको कहता कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिसमें चुनाव में यंग लड़कों की, प्रोफेशनल्स की भूमिका हो सकती है, तो उस समय भी आप यही कहते कि ये तो यूटोपियन आइडिया है. आज उस बात को आप इसलिए मान रहे हैं कि 10 बरस 2011 से 21 के बीच में
भारत के अलग अलग 11 चुनावों में उस काम को करके दिखाया गया, सफलता लेकर दिखाई गई। अब प्रशांत किशोर वहाँ है या नहीं, पूरे देश में चुनाव प्रबंधक, रणनीतिकार, प्रोफेशनल्स, व्हाटएवर नेम यू वांट टू यूज, इस तरह के लोग, चाहे आप मुखिया का चुनाव लड़ें या प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ें, सब लोग उस बात को मान रहे हैं कि रणनीतिकार हो या कोई प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है कि जिस चीज को आप कर रहे हैं उसको ज्यादा व्यवस्थित और एफिशिएंट तरीके से करने के लिए आपको प्रोफेशनल मदद की जरूरत है। उस चीज को आप या देश इसलिए मान रहा है क्योंकि हमने उसको 10 साल करके लोगों के साथ प्रमाणित तौर पर स्थापित किया है कि नहीं इसको किया जा सकता है और इसका रिजल्ट आएगा। नहीं, मैं अभी जो मैं कर रहा हूँ, एक मिनट, अभी जो मैं कर रहा हूँ, चूंकि देश में कोई दूसरा नहीं कर रहा है तो आपको यही लगेगा कि ये तो यूटोपियन आइडिया है, वो, लेकिन मैं जब इसको करूंगा, नहीं प्रशांत जी, 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल और करके अगर इसको सफल तरीके से यहाँ बिहार में कर दिया जाए तो आप ही आकर कहेंगे कि इन्होंने ये चीज यहाँ करके दिखा दिया। टेकिंग व्हाट यू आर सेइंग एट फेस वैल्यू, माय क्वेश्चन इज, नो, यू आर नॉट डूइंग अ फेवर बाय टेकिंग इट ऑन फेस वैल्यू। नो, आई एम सेइंग, सी, व्हाट यू विल बी एबल टू अचीव वी विल नो। राइट नाउ यू हैव embarked on a new course, right? Yes. I just want to understand Jan Suraj. आपने बोला ये गांधी की विचारधाराओं से प्रेरित है। बिल्कुल। आपकी, आपके बारे में, आप किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं? आप इस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं कि आप रणनीति बनाते हैं और उस रणनीति से चुनाव जीतती हैं अलग अलग पार्टियां, ठीक? इसमें कटिंग अक्रॉस आइडियोलॉजिकल लाइन्स, उसमें बीजेपी को भी चुनाव जिताया है आपने, उसमें जेडीयू और महागठबंधन को भी जिताया है, ममता बनर्जी को भी जिताया है, आप तमाम पार्टियों को जिता चुके हैं। What is so Gandhian about this? See, पहली बात तो आपने कहा कि मेरी पहचान क्या है। मेरी पहचान वो है जो आप, जिस कालखंड में आपने मुझे देखा है, आपने मुझे स्टूडेंट के तौर पर नहीं देखा है तो आपको मेरी वो पहचान नहीं मालूम है। आपको वो पहचान नहीं मालूम है जब मैं 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस में काम करता था। तो मेरी पहचान वो है जो मैं काम कर रहा हूँ, जो पिछले 10 साल मैंने काम किया उसका 6-7 साल का जो कालखंड है उसको आप उस दौरान मीडिया के लोगों ने देखा है। जब मैं 2011 में वो काम कर रहा था, 2012 में काम कर रहा था, तब मेरी कोई पहचान नहीं थी। तो आज जो मैं कर रहा हूँ इसकी भी कोई पहचान नहीं, मैं पहचान अपने नाम से बनाना ही नहीं चाहता हूँ। हम उन घर में उन लोग, उस परिवार से नहीं आते हैं जो पहचान लेकर पैदा हुए हैं। हमारी पहचान हमारा काम है, हमने जो 10 साल किया है वही मेरी पहचान है। अब जो कर रहे हैं और जो खड़ा कर रहे हैं यही हमारी आगे की पहचान होगी। और जब मैंने वो रणनीति का काम किया तो आप मेरी संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस की पहचान को भूल गए। आगे 10 साल में अगर ये करके दिखा दूंगा तो आप रणनीतिकार की पहचान को भूल जाएंगे। वो पहचान भूल जाएंगे हम, बिल्कुल भूल जाएंगे आप। भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ में जब मैं था, आप, मुझे तो कोई नहीं बताता है कि मैं पब्लिक हेल्थ का एक्सपर्ट हूँ, मुझे कोई नहीं उस पर बात करता है, मुझे कोई नहीं पूछता है कि आप संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या करते थे, क्योंकि जो आगे 10 साल मैंने किया वही, उसमें आपकी दिलचस्पी है। तो जो मैं अभी कर रहा हूँ, मेरी जो पहचान है, जो मैं कर रहा हूँ इससे बनेगा। मेरी पहचान ये नहीं है कि मैं किसी मुख्यमंत्री का लड़का हूँ, मेरी पहचान ये नहीं है कि मेरे बाबूजी बहुत बड़े आदमी हैं, मेरी पहचान मेरा काम है जो मैंने किया है अपनी क्षमता से, विद्वता से, पराक्रम से, मेहनत से। इंडिविजुअल्स इन सम विचारधारा, तो आपको 2-3 बात में बताना चाहता हूँ। दुनिया में मानव सभ्यता के इतिहास में जितने बड़े हीनस क्राइम्स हुए हैं वो सब विचारधारा के नाम पर किए गए हैं ज्यादातर। तो जो नेता है, दल है, नेता किसी भी, सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं, धार्मिक हो, सामाजिक हो, जो नेता है वो चाहता है कि उसके फॉलोअर विचारधारा का में बंध के उसके अंधभक्त हो जाएं। विचारधारा होना बहुत अच्छी बात है, सबके पास कोई ना कोई विचारधारा होनी ही चाहिए, लेकिन विचारधारा होना एक बात है और विचारधारा में अंधभक्त हो जाना दूसरी बात है। मैं अंधभक्त नहीं हूँ। आपने कहा कि इसमें गांधीयन क्या है, बिल्कुल ठीक बात है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गांधी की विचारधारा क्या है। गांधी ने कहा कि आपको वेजिटेरियन होना चाहिए, वेजिटेरियन होने के समर्थक थे गांधी। तो आज आरएसएस ये कह सकती है कि गांधी वही कह रहे थे जो हम लोग कह रहे हैं। गांधी सोशलिज्म के फेवर में थे तो सोशलिस्ट कह सकते हैं कि गांधी, उनके की विचारधारा जो थी वो उनकी विचारधारा थी। गांधी वॉज इन फेवर ऑफ स्टेट ओनरशिप ऑफ द एसेट्स, तो उसके हिसाब से वो कम्युनिस्ट हो गए, और कांग्रेस में तो वो थे ही।
तो गांधी की विचारधारा को आज के किस राजनीतिक दल से आप जोड़ेंगे, आप मुझे बता दीजिए, मैं उस दल में उसका काम कर देता हूं। मैंने दलों के साथ, जो आपने कहा, अलग अलग दलों के साथ काम करके देखा, सीखा, समझा, अनुभव किया कि आखिर ये राजनीतिक सामाजिक चीजें चलती कैसे हैं, बहुत बड़े स्केल पर करके देखा। देखने समझने के बाद जो मेरा अनुभव हुआ, जो उससे सीखा, जो मेरी पहचान बनाई, उन सारे अनुभवों को, सारे सीख को एक साथ पिरो के मैंने इस अभियान को शुरू किया है। जहां मेरी समझ ये है कि जब तक आप समाज के स्तर पर काम नहीं करेंगे, तब तक राजनीति में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। भाजपा आज देश में इसलिए जीत रही है क्योंकि समाज के स्तर पर एक बड़े वर्ग को उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर एक साथ कर लिया है। वो उसका परिणाम है कि राजनीति में उनको सफलता मिल रही है। राजनीति में सफलता मिल रही है इसलिए हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व है इसलिए राजनीति में सफलता मिल रही है। तो समाज के स्तर पर एक बड़े प्रयास की जरूरत है और वो प्रयास गांधी की विचारधारा मेरी समझ से सबसे बेहतर विकल्प है, इसलिए उसको लेकर चल रहे हैं। अभी इन योर एड्रेस टू द पीपल हियर, आई ऑल्सो हर्ड यू से कि बाद में जितने जो लोग यहाँ पर प्रतिनिधि हैं वो जब बैठेंगे तब उसके बाद हम तय करेंगे कि हमको राजनीतिक दल बनना है या नहीं, लोग तय करेंगे। बिल्कुल। So right now you are not a political formation. Not at all. आप political formation. आप देख लीजिए, जन सुराज तो कोई political formation है नहीं, ये कोई दल है नहीं, इसमें कोई membership नहीं है, इसमें कोई चंदा donation नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ समाज को ये बताने का, जगाने का प्रयास है कि आप जिन बातों के लिए अपने नेताओं को, दलों को दोष दे रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके मूल में आपसे होने वाली गलती है। जहाँ पर आप वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं दे रहे हैं, आप शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं लेकिन वोट आप जाति के नाम पर दे रहे हैं, धर्म के नाम पर दे रहे हैं। तो जब तक आप अपने मुद्दों पर, जब तक आप शिक्षा और रोजगार पर वोट नहीं देंगे, जब तक आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं देंगे, तब तक सुधार नहीं हो सकता है। और लोगों को ये समझाने का प्रयास है। अब अगर मान लीजिए कि लोग समझ जाएं कि नहीं भाई, हमें शिक्षा और रोजगार पर ही वोट देना है, तो उनके पास विकल्प भी होना चाहिए। तो वो विकल्प किसका होगा? वो विकल्प प्रशांत किशोर का नहीं होगा। मैं लोगों को बता रहा हूं कि भाई विकल्प आपको चाहिए तो आप मिलकर विकल्प बनाइए, हम दूसरे दलों की मदद कर, यही तो मेरी पहचान है कि मैं दलों की मदद करता था, तो मैं अब लोगों की मदद कर रहा हूं कि आप लोग साथ में आइए, एक फॉर्मेशन बनाइए, उसको दल अगर आप कहना चाहते हैं तो दल कहिए, चुनाव लड़िए, चुनाव में मदद करेंगे। तो इवेंचुअली ये प्लेटफॉर्म जो है, अगर लोग चाहते हैं तो इट कैन टर्न पॉलिटिकल। नॉट इट कैन, इट विल। पहले दिन मैंने कहा है कि सब जन सुराज की परिभाषा ही क्या दी गई है, समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास, जिसमें दल तो बने लेकिन दल सही लोगों के साथ बने, समाज के लोग मिलकर बनाए, कोई व्यक्ति या कोई परिवार न बनाए, कोई उसका एक नेता ना हो, कोई उसका एक मालिक ना हो, बल्कि समाज के लोगों को, उनकी भागीदारी से दल को बनाया जाए, सब लोग इसको मिलकर बनाएं और मिलकर चलाएं। ठीक है, अब ये क्योंकि इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि दल बनेगा कि नहीं, वो पहले दिन मैंने वो क्लियर हो गया। चलिए, लेकिन अब जैसे आप, हम इफ वी टॉक अबाउट द इमीडिएट फ्यूचर एंड द इवेंचुअल फ्यूचर, राइट, आप एक लॉन्ग टर्म विजन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं एक इमीडिएट फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो है अगले एक साल में 2024 का चुनाव। इस तरीके का फॉर्मेशन, लोगों को जागरूक करना, ऐसे में आपकी स्पीच में बार बार ये कहना कि आपने हर नेता के बारे में कुछ 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 बोला, तो जाहिर सी बात है लोगों के पास वो विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर वो हर चीज़ के बारे में सोचेंगे, दे विल बी अवेयर, देन दे विल सी दैट दे डोंट हैव एन ऑप्शन। बिल्कुल। फिर वो कहाँ जाएं भाई? इसीलिए जब उनको लगेगा कि जो विकल्प है वो नहीं है, इसी के लिए तो उनको कह रहा हूँ कि आप खड़े होइए, आप मिलकर विकल्प बनाइए। आपने कहा इमीडिएट और लॉन्ग टर्म, जो लोग मुझे जानते हैं थोड़ा बहुत भी, और मैं अपने आप को जैसे देखता हूँ, मैं कोई शॉर्ट टर्म काम करता ही नहीं। मैंने 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया, उसके बाद 10 साल मैंने जो काम किया, जिसको आप राजनीतिक रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधक वगैरह सबसे सब जिसके लिए यूज करते हैं, अब मैंने तय किया है कि मैं वो काम को नहीं करूँगा। और ये आज नहीं तय किया है, 2 मई 2021 को, लोग भूल गए हैं, 2 मई 2021 को आपके ही चैनल NDTV पर मैंने कहा कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा। उसके बाद एक साल तक, 2 मई 2021 से 2022 मई तक मैंने अपने लिए ये समय रखा सोचने विचारने का, सारे विकल्पों को जांचने परखने का कि मुझे जीवन में आगे क्या करना है। सब कुछ सोचने जांचने परखने के बाद मैंने ये तय किया कि मुझे बिहार आना है और ये नई व्यवस्था खड़ी करनी है। अब इसको करने में 2 वर्ष लगे, 20 वर्ष लगे, मैं करूँगा यही। अब 24 में चुनाव है, 25 में चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, देश में क्या हो रहा है, ये मेरा विषय नहीं है।
मेरा विषय ये है कि मैंने बिहार की जनता को ये आश्वासन दिया है कि मैं, मुझे जो भगवान ने जो भी शक्ति बुद्धि दी है सब कुछ जीवन में छोड़कर मैं इस चीज के लिए संकल्पित हूँ कि मुझे बिहार में ये व्यवस्था खड़ी करनी है, बिहार को सुधारना है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था, ये जो आप जो भाषण बोलते हैं उसमें तमाम और भी क्लिप्स सोशल मीडिया पर मैंने देखी, आप नेताओं के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर टिप्पणी करते हैं कि 9वीं पास या 10वीं पास जो है वो आपका नेता अब आप तय कर लीजिए होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, नहीं, आपने पूरी टिप्पणी सुनी नहीं, मैं उल्टी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में तेजस्वी यादव के नाम पे मैं कहता हूँ कि भाई लालू जी के लड़के हैं, यही उनकी पहचान है, और वो 10वीं फेल है, 10वां पास नहीं किया उन्होंने, और वो मुख्यमंत्री की रेस में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि भाई वो बने मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में कोई भी आदमी जो पहली क्लास नहीं पढ़ा है वो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है, क्वालिफिकेशन तो कोई क्राइटेरिया है नहीं। मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो 9वां पास नहीं है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है, और आप उसकी चिंता में पड़े हुए हैं कि वो बने या ना बने, जबकि आपका बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया, एमए कर लिया और अपने घर में बेरोजगार बैठा है, उसको चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल रही है, और आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। तो ये जो पूरा अभियान है, हम तो लोगों को यही बता रहे हैं कि आप अपने और अपने बच्चे की चिंता कीजिए। नेता अपने और अपने बच्चे की चिंता कर रहा है, नेता कोई जात की राजनीति नहीं कर रहा है, मैंने ये भी कहा, आपने सुना होगा, नेता धर्म की राजनीति नहीं कर रहा है, नेता अपनी चिंता कर रहा है, अपने बच्चे की चिंता कर रहा है। मतदाता होने के नाते, नागरिक होने के नाते, ये आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि हम भी अपने और अपने बच्चे की चिंता करें। But there is a sense, and I was speaking to a lot of people in the Bihar establishment, and they feel that this is a sort of a, you know, for the lack of another polite word, a sort of a hit job against the government. ये hit job against this establishment. आप सुनिए कि आप जो हैं, तेजस्वी यादव लालू जी के लड़के हैं, तो मैं अगर कह रहा हूं कि उनकी पहचान ये है कि लालू जी के लड़के हैं, तो इसमें हिट जॉब क्या है? मैं एक डॉक्टर का लड़का हूं, तो मेरे पिताजी तो डॉक्टर ही रहेंगे ना, इसमें हिट जॉब क्या है? मेरे बाबा मान लीजिए कि बैलगाड़ी चलाते थे या मजदूर थे, अगर कोई कहता है भी ये मजदूर, इनके बाबा मजदूर थे, तो इसमें हिट जॉब क्या है? इतनी कटुता वाली आलोचना आप नरेंद्र मोदी की करते हैं क्या? मैं सबकी, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, आपने मेरा भाषण सुना ही नहीं। मैं अपना भाषण शुरू करता हूं इस बात से कि बिहार में जिस नेता ने, जिस दल ने भी जो काम किया या करने का दावा कर रहा है, हम सबको सही मान लेते हैं, सबको उसके लिए साधुवाद भी कर देते हैं। मान लीजिए कि कांग्रेस ने यहाँ बहुत काम किया 30-40 सालों में, मान लीजिए कि लालू जी ने सामाजिक न्याय कर दिया, यही तो वो दावा करते हैं, मान लीजिए कि नीतीश जी के सुशासन से बिहार का विकास भी हो गया, सड़क बन गई, बिजली आ गई, लेकिन अगर सबके काम को, सबके दावों को सही भी मान लें, तो भी आज भारत में कोई इस बात से इनकार तो कर नहीं सकता है कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि जिस रास्ते पर हम लोग चलकर आ रहे हैं, इस रास्ते से चलकर तो बिहार को समृद्ध और बेहतर नहीं बनाया जा सकता है, इससे और बेहतर प्रयास की जरूरत है, और वो प्रयास अगर करना है तो उसके लिए कोई व्यक्ति, प्रशांत किशोर या कोई लालू यादव, कोई नीतीश कुमार मोदी इसको नहीं कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं जो समाज के में लोग हैं उनको मिलकर करना पर पड़ेगा। समाज के ही लोग उनके समर्थक भी हैं ना, बिल्कुल, तो समर्थकों के सामने ही तो कह रहा हूँ, और उनके समर्थक ताली बजा रहे हैं, आप सुन रहे हैं भाई, ये कोई हमारे समर्थक थोड़ी है, हमारा तो कोई दल नहीं है, जो लोग भी बैठे हुए हैं वो तो हर दल के लोग हैं, जिन गांव में मैं जा रहा हूं उसमें हर गांव में लोगों के, पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं। आपने यहां के जो रीजनल लीडरशिप है उसके बारे में आपने बता दिया, बिहार के संदर्भ में उनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, नेशनल लीडर्स जो हैं उन्होंने क्या किया है उसके बारे में भी आप मंच से बात कर रहे हैं। अब ये नेशनल लीडर्स बिहार वापस आने लगेंगे, 2024 का चुनाव होगा, इसके चलते मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक जो पर्सनैलिटी और कल्ट वॉर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में चल रही है, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय नहीं है कि देश में क्या चल रहा है। मैं जब बंगाल, आपको नहीं लगता लोगों को ये मैटर करता है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं करता जी। मैं बंगाल में चुनाव करा रहा था तो मेरा विषय बंगाल था। मैं जो काम लेता हूँ, मेरा अपना काम करने का तरीका है, सही है गलत है वो आपको आकलन करना है। मैं जो काम लेता हूँ मुझे उसको ईमानदारी से, शुद्धता से, अपनी पूरी ताकत से करना है। मैं बिहार आया हूँ, ये अभियान मैंने शुरू किया है समाज को जगाने, समझाने का। अब केरल में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ नहीं। और विपक्षी एकता पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विपक्षी एकता पर मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने पहले जो कहा है उसको दोहरा देता हूँ कि ये फसाद है। आप दलों को और नेताओं को एक साथ लाकर एकता नहीं बना सकते हैं, उससे आप भाजपा को चुनौती नहीं दे सकते हैं। अगर आपको भाजपा को चुनौती देना है तो पहले आपको समझना है कि भाजपा की ताकत क्या है।
भाजपा की ताकत है हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और लाभार्थी। ये त्रिस्तरीय उन्होंने एक तरह से किले का निर्माण किया है, जिसमें सबसे बड़ी ताकत उनके लिए हिंदुत्व है, जो विचारधारा है, दूसरा राष्ट्रवाद है और तीसरा लाभार्थी है। जो लोग भी भाजपा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनसे उनको चुनौती देना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस तीन में से दो चीज़ को तो बेटर करना पड़ेगा। अब आप दलों को साथ मिलाकर करें, खुद का दल बनाकर कर लें, जिस जो भी प्रयास करें, जब तक आप तीनों को भेदिएगा नहीं तब तक आपको चुनावी सफलता मिलने की संभावना मेरी नज़र में कम है। और ये क्या हो रहा है, ये प्रयास नहीं हो रहा। अगर होता तो जीत ही जाते। अगर आपका ये सवाल है कि क्या इसको किया जा सकता है, तो बिल्कुल। क्योंकि आप बिहार की बात करें ना, मैं बिहार के संदर्भ में पूछूं, 2015 में एक महागठबंधन हुआ और वो बहुत सक्सेसफुल। तो भैया महागठबंधन सिर्फ दलों का गठबंधन नहीं है, यही तो आप लोग को मतलब महागठबंधन पहली बार शब्द ही मैंने लिखा है, उससे पहले तो आपको हमको इस देश में गठबंधन शब्द था। महागठबंधन शब्द 2015 में पहली बार प्रशांत किशोर ने लिखा। महागठबंधन आपको ये दिख रहा है कि दलों का गठबंधन था, मेरी समझ से वो सिर्फ दलों का गठबंधन नहीं था, वो विचारधाराओं का गठबंधन था, उसमें नेता तय था, उसमें सात निश्चय का प्रोग्राम था, उसको घर घर पहुंचाया गया था, तब उसको सफलता मिली। 2015 का महागठबंधन बिहार का आपको याद है, लेकिन 2015 के बाद जितने लोगों ने भी वही प्रयास दूसरे जगह करने की कोशिश किए, हर जगह महागठबंधन को हारना पड़ा। इसलिए कि जब तक आप जो मैंने कहा ये तीन विचारधारा के आधार पर बीजेपी को चुनौती नहीं देंगे, जब तक उनको राष्ट्रवाद पर नहीं हराएंगे, जब तक उनके लाभार्थियों का जो वेलफेयरिस्ट मॉडल है उसको नहीं चुनौती देंगे, तब तक आप उनको चुनाव नहीं हरा सकते। अब आप विचारधारा की बात कर रहे हैं, और जब मैंने विचारधारा का सवाल पूछा तो आपने ये बोला कि विचारधारा मैटर नहीं करती लोगों के। किसने कहा कि मैटर नहीं करती? मैंने ये कहा, फिर वही बात अपने स्क्रिप्ट, मैंने कहा विचारधारा होना बहुत जरूरी है, लेकिन विचारधारा के नाम पर अंधभक्त होना गलत है। मैं अब आप दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाजपा की विचारधारा को चुनौती कैसे दी जा सकती है, अगर सवाल आपका ये है। मेरा ये भी सवाल है कि आपका जो ये जन स्वराज अभियान है, व्हाट इज योर आइडियोलॉजी? बिल्कुल, मेरी आइडियोलॉजी यही है जो गांधी की आइडियोलॉजी है, उस पर लिखा हुआ है, आपको सामने दिख रहा है, लेकिन आपको उसको पढ़ना नहीं है। आपको आइडियोलॉजी कांग्रेस और भाजपा की आइडियोलॉजी के खेमे में दिखना है कि आपकी आइडियोलॉजी भाजपा की है कि कांग्रेस की है। आपको वो आइडियोलॉजी दिख रही है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उससे आपको कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। आपको दिखता है कि एक भाजपा की आइडियोलॉजी है और बाकी जितने लोग हैं वो सब लोग एक कोई आइडियोलॉजी जिसको आप कांग्रेस या गैर भाजपा आइडियोलॉजी मान लिए हैं, ये आपकी समझ का फेर है। भाजपा को 38% वोट मिला है, 62% लोगों ने इस देश में भाजपा को वोट नहीं किया है, तो आप उसको दलों के फॉर्मेशन में देखते हैं, मैं उसको विचारधाराओं के फॉर्मेशन में देखता हूँ। ये कौन लोग हैं जो भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं? यू नो प्रशांत जी, थ्रू द कोर्स ऑफ दिस इंटरव्यू आई नोटिस वन थिंग, आई हैव हर्ड योर इंटरव्यूज इन द पास्ट आल्सो, इट अपीयर्स टू मी दैट यू हैव बिकम अ लिटिल अग्रेसिव एंड परहैप्स अ लिटिल बिटर इन योर। आपको आइडिया ही नहीं है मैं कितना एग्रेसिव हूँ पहले से। लोग तो मुझे बताते हैं कि मैंने जीवन में सब छोड़ दिया, बहुत सॉफ्ट हो गया हूँ, क्योंकि अच्छा। आप मेरे पहली बार आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पर सो कॉल्ड जितने एग्रेसिव इंटरव्यू करने वाले इस देश में हैं, सबसे मैंने इंटरव्यू किया है। मैं एग्रेसिव इसलिए हो रहा हूँ कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब आप वो सुनना चाहते हैं जो आपके दिमाग में पहले से है। मैं जो बताऊंगा वो आपको अलग होगा, वो आपको दूसरे जगह सुनने को मिलेगा नहीं, लेकिन आप सुनना वही चाहते हैं। पर मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। नहीं, आप सुन नहीं रहे हैं, आपका उसमें यकीन ही नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं मैं बेवकूफ हूं। देखिए, यू आर डिसाइडिंग दिस ऑन माय बिहाफ। मैं आपको बता रहा हूं मीडिया क्या गलती करती है। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं प्रशांत जी दैट दिस विल वर्क? मैं कॉन्फिडेंट हूं या नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं तो मैं कर क्यों रहा हूं? इसकी अगुवाई आप कर रहे हैं, इस वजह से मैं सवाल। अरे भाई, आप ये समझिए कि मैं अपने जीवन का सब कुछ छोड़ के अगर ये काम कर रहा हूं तो मेरा अगर कन्विक्शन नहीं है इस चीज में तो मैं करूंगा क्यों? कॉन्फिडेंस की बात तो मैं करता नहीं हूँ, मैं ओवर कॉन्फिडेंट लोगों में से नहीं हूँ। मैं सबसे अंडर कॉन्फिडेंट आदमी हूँ चुनाव परिणाम से पहले, लड़ाई से पहले मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहता हूँ, कंजर्वेटिव रहता हूँ। तभी लड़ाई का दिन, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन मैं विजयी होकर आता हूँ, और जो ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं वो हार के आते हैं। तो ये क्योंकि ये नीति कहती है कि आप जिस लड़ाई को, जिस संघर्ष में भी, जिस काम को भी लीजिए, उसको ईमानदारी से, मेहनत से कीजिए। चुनौतियों को कम करके आंकना मेरा स्वभाव नहीं है। बिहार को सुधारना बहुत बड़ी चुनौती है, तो मैं कॉन्फिडेंट कैसे हो जाऊंगा? लेकिन मेरा कन्विक्शन जरूर है कि इसको किया जा सकता है।
मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, कन्विंस्ड हूं कि इसको किया जा सकता है और जिसके करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, अपने जीवन का सब कुछ इस पर दाव पर लगाए हैं। 2 अक्टूबर से मैं बिहार, 2 मई से जब आया हूँ, घर बिहार छोड़कर नहीं गया हूँ, यहीं पर रहता हूँ, यहीं गांव में रहता हूँ। अगर कोई दूसरा ऐसा प्रयास कर रहा है तो उसका भी स्वागत है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ, मेरा इसमें पूरा कन्विक्शन है कि इसको किया जा सकता है, तभी कर रहा हूँ। चलिए प्रशांत किशोर जी, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।